स्वास्थ्य विभाग में हुए कथित घोटाले की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर कांग्रेस नेताओं ने राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात की। कांग्रेस नेताओं ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर स्वास्थ्य विभाग के घोटाले की जांच विजिलेंस के स्थान पर हाईकोर्ट के सिटिंग जज से करवाने की मांग की। राज्यपाल से मिलने के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में हुए घोटाले ने हिमाचल प्रदेश को देश भर में शर्मसार किया है। कोरोना जैसी महामारी में स्वास्थ्य विभाग में गड़बड़ी होना काफी दुखद है। कांग्रेस पार्टी ने राज्यपाल से मिलकर मुख्यमंत्री के इस्तीफे की भी मांग की है, क्योंकि भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने इस्तीफा दिया है तो कहीं ना कहीं तो कुछ गलत किया है। पदाधिकारी भी हैं, हम महामहिम से मिले, हमने मुख्य रूप से उनसे जो कांग्रेस पार्टी की मांग रखी, क्योंकि ये जो पूरा मामला है ये स्वास्थ्य से जुड़ा मामला है। जब प्रदेश अध्यक्ष को पे दबाव बनाया जाता है त्याग पत्र के लिए, तो मुख्यमंत्री जी तो स्वयं जो है स्वास्थ्य विभाग के को देख रहे हैं, उनके अंतर्गत ये मंत्रालय आता है, तो उनकी एक नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि वो अपने पद से त्याग पत्र दें। अभी जो विजिलेंस विभाग जो है जाँच कर रहा है, हमको विजिलेंस विभाग की जो जांच है हमको लगता है कि वो प्रभावित होगी, क्योंकि अपने जो बॉसेज हैं उनके खिलाफ वो विभाग जांच नहीं कर सकता। तो हमने ये भी मांग रखी कि हाई कोर्ट के पीठासीन जज वो इसकी जांच करें ताकि सच्चाई सामने आए और दूध का दूध पानी का पानी हो। और जितनी भी ये परचेजेज हो रही हैं, चाहे वेंटिलेटर हो, पीपी किट्स हो, सैनिटाइज़र हो, मास्क हो, इसमें बहुत बड़े घोटाले हैं। आज प्रदेश की जनता को जानने का हक है कि इसमें कितनी गड़बड़ हुई है, कितनी हेराफेरी हुई है। तो हमने ये भी मांग रखी है कि श्वेत पत्र जो है सारी परचेज को लेके जारी किया जाए ताकि जो सच्चाई है वो सामने आए। वहीं विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि कोरोना जैसी महामारी में प्रदेश के लोगों ने सरकार का भरपूर सहयोग दिया है, जिसमें कर्मचारी से लेकर मजदूरी करने वाले व्यक्ति ने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग में घोटाला होना बहुत गंभीर मामला है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के पास स्वास्थ्य विभाग है, इसलिए इसमें सीधी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की बनती है। मुख्यमंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। सारी मानवता जो है आज पीड़ित है। ऐसे दौर में हिमाचल प्रदेश में घोटाले हो रहे हैं, तो हमने उनको कहा कि पीपी किट्स खरीद में घोटाला हो जाए, सैनिटाइज़र में घोटाला हो जाए, वेंटिलेटर खरीद में घोटाला हो जाए। ये और ये चर्चाएं एक जनमानस के दिमाग में लगातार पनपती जा रही हैं कि हिमाचल प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग जो है मानव सेवा करने में डिफीट हो गया है, और इसलिए जो है जो घोटाले हुए उसमें भाजपा के राज्य अध्यक्ष का इस्तीफा हुआ, भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल उन्होंने भी ये बात कही कि ये जो है देशद्रोह का मसला है, पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने भी जो है इसे महापाप कहा है, और ये कहा है कि ये एक जो जिस ढंग से कलंक का टीका है, और इसी ढंग से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने भी ये कहा है कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं, और हमने जो है राज्य अध्यक्ष का इस्तीफा लिया है। तो हमारा ये मानना है कि मामला तो स्वास्थ्य विभाग का है, विभाग मुख्यमंत्री जी के पास है, पार्टी अध्यक्ष इस्तीफा दे रहे हैं। क्या विभाग का संचालन पार्टी अध्यक्ष कर रहे थे? विभाग का संचालन तो मुख्यमंत्री बतौर मंत्री कर रहे थे, तो इसलिए इस्तीफा मुख्यमंत्री जी को करना चाहिए। और क्योंकि मुख्यमंत्री जी नहीं कर रहे हैं, हमने राज्यपाल महोदय को कहा कि आप उन्हें डायरेक्ट करें कि आप इस्तीफा दें, ताकि जो है यहाँ से कोई संवैधानिक समस्या ना आए। बता दें कि हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में कथित घोटाला होने के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की ओर से त्याग पत्र दिए जाने के बाद से ही कांग्रेस लगातार इस मामले को उठा रही है। भारत 9 के लिए शिमला से सुनील परमार की रिपोर्ट।